सबसे पहले मैं आप सभी को और दुनिया भर के लोगों को और विशेषकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को आज की इस महत्वपूर्ण पर्व पर अनेक अनेक शुभकामनाएं दूंगा। मैरी क्रिसमस। ये मेरे लिए बहुत सुखद है कि स्पेशल और सेक्रेड अवसर पर आप सब मेरे निवास स्थान पर आए हैं। जब इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने यह प्रस्ताव रखा था कि हम सब मिलकर क्रिसमस मनाए, मैंने कहा क्यों ना मेरे यहां मनाए, और उसी में से ये कार्यक्रम बन गया। तो मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है। अनिल जी ने मुझे बहुत मदद की, मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूं। इस पहल के लिए मैं माइनॉरिटी फाउंडेशन का भी बहुत आभारी हूं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। गुजरात का सीएम रहने के दौरान मैं ईसाई समुदाय और उनके लीडर्स के साथ अक्सर मेरा मिलना जुलना रहता था, और मैं मणिनगर जहां से चुनाव लड़ता था वहां बहुत बड़ी मात्रा में आबादी भी है, इसके कारण मेरा स्वाभाविक नाता रहता था। कुछ ही वर्ष पहले मुझे द होली पोप से मिलने का भी सौभाग्य मिला था। वो वाकई मेरे लिए बहुत ही यादगार पल था। हमने इस धरती को बेहतर जगह बनाने के लिए सोशल हार्मनी, ग्लोबल ब्रदरहुड, क्लाइमेट चेंज और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ऐसे कई विषयों पर और लंबे समय तक बैठ करके बातें की थी। फ्रेंड्स, क्रिसमस वो दिन है जब हम जीसस क्राइस्ट के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। ये उनकी लाइफ मैसेज और वैल्यूज को भी याद करने का अवसर है। जीसस ने करुणा और सेवा के मूल्यों को जिया है। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने के लिए काम किया जिसमें सबके लिए न्याय हो और जो समाज समावेशी हो, इंक्लूसिव हो। हमारे देश की विकास यात्रा में यही मूल्य एक गाइडिंग लाइट की तरह हमें रास्ता दिखा रहे हैं। साथियों, समाज जीवन की अलग अलग धाराओं में हम ऐसे कई समान मूल्य दिखते हैं जो हम सबको एकजुट करते हैं। उदाहरण के लिए, पवित्र बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने हमें जो भी उपहार दिया है, जो भी सामर्थ्य दिया है, उसका उपयोग हम दूसरों की सेवा के लिए करें, और यही तो सेवा परमो धर्म है। द होली बाइबल में सत्य को बहुत महत्व दिया गया है और कहा गया है कि सत्य ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। और संयोग देखिए, सभी पवित्र उपनिषदों ने भी अल्टीमेट ट्रूथ को जानने पर फोकस किया है ताकि हम स्वयं को मुक्त कर सकें। हम अपने साझा मूल्यों और हमारी साझी विरासत पर फोकस करके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। 21वीं सदी के आधुनिक भारत के लिए ये सहयोग, ये सामंजस्य, सबका प्रयास की ये भावना भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। साथियों, द होली पोप ने अपने एक क्रिसमस एड्रेस में
ईसा मसीह से प्रार्थना की थी कि जो लोग गरीबी खत्म करने में जुटे हैं उन्हें उनका आशीर्वाद मिले। वो मानते हैं कि गरीबी व्यक्ति की गरिमा को चोट पहुंचाती है। द होली पोप के इन शब्दों में उसी भावना की झलक है जो विकास के लिए हमारे मंत्र में है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। सरकार के तौर पर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे और कोई इससे अछूता न रहे। ईसाई समुदाय के कई लोगों तक, विशेषकर गरीबों और वंचितों तक भी आज देश में हो रहे विकास का लाभ पहुंच रहा है। मुझे याद है जब हमने फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया तो ईसाई समुदाय के बहुत सारे मछुआरे भाई बहन हमारे इस कदम की सार्वजनिक रूप से सराहना करें, मेरा भी सम्मान किया, मुझे बहुत अभिनंदन किया। साथियों, क्रिसमस के इस अवसर पर मैं देश के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बात जरूर योगदान करूंगा कि आपके योगदान को भारत गर्व से स्वीकार करता है। ईसाई समुदाय ने फ्रीडम मूवमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फ्रीडम स्ट्रगल में क्रिश्चियन कम्युनिटी के कई थिंकर्स और लीडर शामिल थे। गांधी जी ने स्वयं बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की परिकल्पना सेंट स्टीफन्स कॉलेज के प्रिंसिपल सुशील कुमार रुद्र की छत्रछाया में रची गई थी। साथियों, ईसाई समुदाय ने समाज को दिशा देने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज सेवा में क्रिश्चियन कम्युनिटी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और आपकी कम्युनिटी गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहती है। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज भी पूरे भारत में ईसाई समुदाय के संस्थान बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। फ्रेंड्स, 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य के साथ हम अपनी विकास यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस विकास यात्रा में हमारे सबसे महत्वपूर्ण साथी अगर कोई हैं, तो वो हमारे युवा है। निरंतर विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारे युवा फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट और हेल्दी रहें। इस उद्देश्य से चलाए जा रहे कई अभियान जैसे फिट इंडिया, मिलेट्स का उपयोग, न्यूट्रिशन पर फोकस, मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता और ड्रग्स के खिलाफ अभियान जन आंदोलन बन चुके हैं। मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर से, विशेषकर जो एजुकेशन और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो इन विषयों के प्रति लोगों को और जागरूक बनाएं। साथियों, क्रिसमस पर गिफ्ट्स उपहार देने की परंपरा है, मुझे भी बहुत ही पवित्र तोहफा मिला अभी, और इसलिए इस अवसर पर हम ये विचार करें कि कैसे हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेटर प्लेनेट का उपहार दे सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी आज के समय की जरूरत है।
लिविंग ए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ये मिशन लाइफ का सेंट्रल मैसेज है। एक ऐसा इंटरनेशनल मूवमेंट है जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। यह अभियान प्रो प्लेनेट पीपल को प्रो प्लेनेट लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और भी संपत जी ने जो छोटी किताब में ग्रीन कलर लाने के लिए कहा है ना, उसका यही भी एक रास्ता है। और उदाहरण के लिए रीयूजिंग और रिसाइकलिंग, बायो डिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल, मिलेट्स श्री अन्न को अपनाना, मिनिमल कार्बन फुटप्रिंट वाले उत्पादों को खरीदना, ऐसी कई चीजों को हम अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं और बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और मैं मानता हूं क्रिश्चियन कम्युनिटी जो इतनी सोशली कॉन्शियस होती है, वो इस मिशन में प्रमुख भूमिका निभा सकती है, नेतृत्व कर सकती है। साथियों, एक विषय वोकल फॉर लोकल का भी है। जब हम स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देते हैं, जो हम भारत में बनी वस्तुओं के एम्बेसडर बनते हैं, तो ये भी तरह से देश सेवा ही है। वोकल फॉर लोकल के मंत्र की सफलता से देश के लाखों लाख छोटे उद्यमियों को उनका रोजगार जुड़ा है, स्वरोजगार जुड़ा है। और इसलिए मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोकल के लिए और वोकल बनने के लिए आप सबका मार्गदर्शन उनको मिलता रहे, ये मैं जरूर आग्रह करूंगा। साथियों, एक बार फिर हम कामना करते हैं कि फेस्टिव सीजन हमें एक राष्ट्र के रूप में और मजबूत करें, सभी देशवासियों को और करीब लाएं। ये त्योहार हमारी डायवर्सिटी में हमें एकजुट रखने वाली बॉन्डिंग को मजबूत करें। आप सबको मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप सब समय निकाल करके आए, और आप मुंबई से स्पेशली उस आयु में भी दौड़ करके आए, वैसे मुझे आप में से कईयों के निरंतर आशीर्वाद मिलते रहते हैं, मुलाकात मार्गदर्शन मिलता रहता है, लेकिन आज सबको एक साथ मिलने का मौका मिला। मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इन बच्चों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने आज के हमारे इस पर्व को अपने स्वर से, अपनी भावनाओं से और मजबूत बनाया है। इन बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद।